Assalamualaikum नाज़रीन, good afternoon, welcome to Food Diaries. मैं हूँ ज़रनक सिद्धवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ. आज बहुत मज़े का हम एग एंड पटेटो सैलड बनाना सिखाएंगे और हम चिकन चाउमिन बनाना सिखाएंगे यूजिंग डिपिट के सॉसेज. उसके अलावा पहली हमारी रेसिपी है चीज़ एंड स्पिनच पफ्स. ठीक है, तो उसकी हम पेस्ट्री भी बनाते हैं और उसका फिलिंग जो है चीज़ हम यूज़ करेंगे कॉटेज चीज़, यानी पनीर है और पालक है यहाँ. तो ये हम पहले बना लेते हैं इसका पेस्ट्री. और आज हमारे शो पे है डिलक्स टीम आयन एनएक्स की तरफ से. अगर आपको जीतना है तो पालक से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम 2-3 लिख के 888-1 पे एसएमएस कर लीजिएगा. मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. चलिए, तो यहाँ हमने डालना है मैदा, और मैदा है 1.5 कप. ठीक है, फिर उसमें आपने थोड़ा सा आधा टीस्पून जितना नमक शामिल करना है, और आपने इसमें मक्खन डालना है 1/4 कप जितना. ये 1/4 कप जितना मक्खन ले लिया मैंने, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है. पहले हम मक्खन को घुमाएंगे. फिर हम देखेंगे कि मक्खन अच्छी तरह अंदर मिक्स हो गया है, तब हम इसमें पानी डालेंगे. मक्खन और पानी ठंडा होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इस पेस्ट्री में, हर चीज़ में नहीं. ये देखें, क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर ली है मक्खन ने. अब आपने इसमें पानी डालते जाना है. ठीक है, कैसे पता चलेगा हो गई है पेस्ट्री? डो बन गया है, एक बॉल सा शेप हो जाता है इसका. अब इसको हम निकालते हैं वापस इसी में, ब्लेड बचा के, हाथ बचा के प्लीज, ब्लेड इज शार्प. ठीक है, इसमें निकालेंगे और इसको हम हाथ से गूंद लेंगे, और थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, या थोड़ा सा मैदे की ज़रूरत होगी मैदा डालेंगे. स्टिकी डो नहीं बनाना है ये, हम पिज्ज़ा नहीं बना रहे हैं, हम पेस्ट्री बना रहे हैं. ठीक है, अब इसको हमने गूंद के बेल के रख देना है, और ये गूंद के बेल के हम बाद में रख देंगे. अब इसकी हम फिलिंग की तरफ आ जाते हैं, सो लेट मी डू दैट नाउ. फिलिंग में है कॉटेज चीज़ और पालक. सो उसके लिए थोड़ा सा तेल लेंगे, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ही तेल लीजिएगा. प्याज वगैरह डालनी हो डालिएगा, मैं सिर्फ लहसुन इस्तेमाल करूँगी. लहसुन जाएगा इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, और पालक. पालक तो 2 मिनट पर पक जाएगी, ऐसे ही आप स्टर करते रहिए. देखें इस तरह पालक बिल्कुल बारीक कटी हुई है, बहुत जल्दी ये हो जाएगी. फिर ये जब हो जाएगा तो इसमें हम मैशअप करके ये डाल देंगे कॉटेज चीज़, और इसमें बहुत थोड़ा सा चुटकी भर हम नमक शामिल करेंगे, इसलिए कि पालक भी सॉल्टी होती है, इसमें होती है नमक होता है, और ये जो मैंने बनाया है पनीर वो भी ऑब्वियसली पनीर इज़ ऑल्सो सॉल्टी. इसका फिलिंग ठंडा होना चाहिए. पेस्ट्री को हम बेलेंगे और हम उसको स्क्वायर्स में काटेंगे, और हम इसको बेक, पता है किस में करेंगे? बेक करेंगे हम इस तरह के कपकेक के टिन्स में, या आप इस तरह का सिलिकॉन का ले लीजिए, उसमें से निकलने के लिए बहुत आसान पड़ता है. स्क्वायर शेप में काटेंगे, उसको अंदर रख देंगे. ठीक है, फिर उसके अंदर ये फिलिंग रखेंगे, और इसको आप बंद भी कर सकते हैं चारों तरफ से, अगर स्क्वायर होगा तो यू कैन पिंच इट क्लोज कर सकते हैं, और फिर उसको हम बेक करेंगे. फिर आसानी से ऐसे करके इसमें से ना आसानी से ऐसे करके निकल आता है, इसलिए मैंने ये सिलिकॉन का मोल्ड इस्तेमाल किया है. आप कपकेक के टिन में भी कर सकते हैं. लहसुन को आपने सॉटे करना है थोड़े से तेल में, और आप इसमें डाल दीजिए कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी, ये गरम मसाला पाउडर है, बहुत थोड़ा सा चुटकी भर में नमक डाल रही हूँ, और पालक. फिलिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी करें, ये एक तरीका है बनाने का, इसको ये मैं आपको सिखा देती हूँ. आज बचा हुआ कीमा हो, चिकन एंड वाइट सॉस बची हुई हो वो आप डाल दीजिए, कोई वेजिटेबल स्टू हो वो आप डाल दीजिए, कुछ भी, एनी फिलिंग कैन बी पुट. पफ पेस्ट्री नहीं है घर में, इस तरह की पेस्ट्री बना दीजिए. सिर्फ हमने इसमें नमक, मक्खन और मैदा, ठंडा पानी डाला था बस, अंडा शंडा कुछ भी नहीं था. बस ये आपने पालक को थोड़ा सा विल्ट कर देना है, अच्छी तरह धो के पतला पतला काट लीजिएगा,
बॉयल पालक पड़ी हो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन पानी निकाल दीजिएगा और इसका पानी अपना निकलेगा, इसको हम सुखा देंगे। अब इसमें मैं पनीर भी इसी स्टेज पे डाल देना चाह रही हूँ कि इसमें साथ साथ मिक्सअप हो जाए, मैशअप हो जाए, ठीक है। पकाना वकाना कुछ भी नहीं है, बस आपने इसको मिक्स कर देना है, चूल्हा बंद, और ये हमारा हो गया। फातिमा है गुजरात से जी। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? रनक कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आप बहुत अच्छे गाने। क्या जी? मैंने कहा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह। रनक आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमने रखा है पालक से बनने वाली रेसिपीज के नाम बताइए। ओहो लाइन कट गई, एसएमएस करिएगा पालक से बनने वाली रेसिपीज के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा, एनएक्स की तरफ से गिफ्ट है। और ऐसे करते हैं कि इसको मैं ठंडा करने के लिए अब छोड़ देती हूँ एक बोल में। जो डो है उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के गूंद के बेल के रख देते हैं। आप लोग जाइए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से आप लोग जब वापस आएंगे तो इसको मुझे ठंडा करना है एक्चुअली, ठीक है? ब्रेक हम ऐसे भी ले रहे हैं कि इसको भी मुझे ठंडा करना है। ये देखें, इसको गरम गरम, किसी भी फिलिंग को किसी भी पेस्ट्री में गरम गरम नहीं डालते हैं। सो इसको मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा और ये सब कुछ यहाँ से हटा देंगे, इस डो को हाथ से गूंद के बेल देंगे, बेलेंगे और स्क्वायर्स काट के इस टिन में जो कपकेक का केस है ना उसके साइज से थोड़ा बड़ा, बिकॉज वो थोड़ा बाहर आएगा, और उसको हम रेडी करेंगे। फिर आप लोग आएंगे, आप लोगों के सामने एक एक चम्मच इसमें भरेंगे, एजेस इसके बंद कर देंगे और बेक करने रख देंगे। तो ये आपके हो जाएंगे स्पिनच एंड चीज़ पफ्स। इसमें आप कॉटेज चीज़ की जगह मोज़रेला, चेडर चीज़, पार्मेजान चीज़ सब कुछ मिक्स करके भी डाल सकते हैं, चार चीज़ भी डाल सकते हैं। कॉटेज चीज़ डाल दीजिए, मोज़रेला, पार्मेजान, चेडर चीज़ या जो भी चीज़ आपके पास घर में हो उसको आप ग्रेट करके डाल दीजिए, ठीक है जी? तो ये सब हम क्लियर अप करते हैं, पेस्ट्री को बेल देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम आते हैं, फिर इस रेसिपी को पूरा करके फिर हम चिकन चाउमीन बनाएंगे यूजिंग डिपिट सॉसेस, और उसके बाद हम एक सैलड बनाना आपको सिखाएंगे। डिपिट की वाइड रेंज आपको यहाँ हमारे स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही है। बफेलो सॉस है, हबेनेरो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है, हॉट सॉस है, पिज्ज़ा सॉस, चिपोटले, टबैस्को, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस उनकी जो अभी विंटर रेंज में इन्होंने ऐड किया हुआ है, और ऑफकोर्स स्वीट थाई चिली सॉस, मोकी बारबेक्यू सॉस, मेरे दोनों फेवरेट्स। तो ऐसे करते हैं हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम ये रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें ये दिखाएं मैंने कैसे करके रखे हुए हैं। इस तरह आपने ये जो डो है उसको बेलना है, काफ़ी सारे बन जाते हैं इससे, ठीक है? आपने ऐसे करके लिया, इसको आपने ऐसे फिलिंग इस तरह अंदर फिलिंग आएगी इसकी, और मैं जगह इसलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज ये फिर चिपके ना, ठीक है? अब हम इसमें फिलिंग कर देंगे। कुछ भी आप अंदर भर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। अब आपने क्या करना है, ये आप इस तरह और इस तरह बंद कर दीजिए, ठीक है? ऑपोजिट साइड्स को आप चिपका दीजिए इस तरह और इस तरह। लैया से जुबैदा हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आप, और आप, हमेशा की तरह आप। लैया कहाँ पहुँच गई? बस ऐसे ही। अच्छा, मैं समझी हैदराबाद वाली हमारी जुबैदा की आवाज है, और लैया से कैसे बोल रही हैं? जी जी बस मैंने आवाज पहचान ली, आवाज पहचान ली मैंने, देखें। थैंक यू बहुत बहुत याद रखने के लिए, और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी जैसे ही टाइम मिलेगा। जी जरूर, और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, पालक पनीर जी, पालक गोश्त, पालक के कोफ्ते, और अंडा पालक, ठीक है, और दाल पालक, ओके,
पालक उसमें रायते में भी बनाते हैं और कबाब भी बनाते हैं पालक के. बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इसी में. और अपना ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से आपको और पूरी टीम को ढेरों दुआएं और सलाम. और इसके हम की 15 साल पूरे होने पे भी बहुत बहुत सुल्ताना आपा को और आप सबको बहुत बहुत मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. ठीक है, इसी में जगह हो गई तो मैंने इसी में रख दिया, एक में ही. अब ये बहुत ही फ्लिमजी सा है, हिलता जुलता रहता है, तो इसलिए मैं एक और ट्रे में इसको रख दूंगी ताकि मेरे लिए आसान हो उठाने के लिए. ठीक है, रेडी है. बस दोनों एजेस आपने पिंच करने हैं, इस तरफ का और इस तरफ का. पिंच करके बंद कर दीजिएगा, बेशक ऐसे खुला रहे, नो इश्यूज़. अब आप इसको बेक करने रख दीजिए ताकि ये एक रेसिपी हमारी मुकम्मल हो जाए. We don't need this. इसको हम नीचे कर देते हैं. ठीक है जी, ये अब बेक हो जाएगा बस. ओके, नाउ मैंने कॉटेज चीज़ यानी पनीर लिया था, उसको क्रम्बल कर दिया था. मैंने पालक ली थी, उसकी डंडियाँ काट दीजिएगा, पतला पतला बिल्कुल बारीक काट दीजिएगा. फिर मैंने बहुत थोड़ा सा तेल गरम किया था, उसमें मैंने लहसुन डाला, 2-3 जवे गरम मसाला पाउडर, चुटकी भर नमक, ये पालक डाला और उसको हमने भून लिया. उसमें हमने पालक जब भून गई, थोड़ा सा इसका पानी थोड़ा सा इवेपोरेट हो गया, तो फिर उसके अंदर हमने ये डाल दिया पनीर. ठीक है, नमक, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, तेल, लहसुन, पालक और पनीर, ये बस सब कुछ मिक्स करके रख दीजिएगा. एक बोल में ठंडा करिएगा. अच्छा, थोड़ी देर अगर हो आपके पास, टाइम हो, तो आप इस मिक्सचर को छन्नी में रख दीजिएगा ताकि जो फिलिंग हो उसमें से जो भी पानी हो वो अलग हो जाए. मुस्तजाब है लाहौर से जी. हेलो. हेलो जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जी फरमाइए. और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ. बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का. बहुत शुक्रिया. आपने जो हम लोगों को कुकिंग सेंस दी है ना, उसके लिए मुझे आपको बहुत थैंक यू करना था. किचन में जो आप क्वांटिटी और वो जो चीजें एक्सप्लेन आपने हमें की है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करती हैं और बताती हैं. थैंक यू, देखते रहिए. हम रेसिपी भी ट्राई करते हैं. मुझे आपके सवाल का जवाब भी देना है जी. पालक पनीर, पालक गोश्त, पालक के पकौड़े, पालक चाट जो आपने सिखाई थी जी, स्पिनच कॉर्न पकौड़ा, स्पिनच एंड पीस सूप और चना पालक पनीर. ठीक है, नोट कर दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. 1.5 कप मैंने मैदा लिया था, 1/4 कप ठंडा मक्खन, ठंडा पानी 2-3 चमचे भर के और 1/2 टीस्पून नमक, ये इसका डो था. आप बना के गूंद के क्लिंग लगा के 1/2 घंटा फ्रिज में रखिएगा, निकालिएगा, बेलिएगा, फिर आप स्क्वायर्स काटिएगा, कपकेक के टिन में प्रेस डाउन करके रख दीजिएगा. ठंडा किया हुआ जो फिलिंग होगा 1-1 चमचा लीजिएगा, उसमें भर दीजिएगा. फिर स्क्वायर्स होंगे ना, तो इस तरफ से ये वाला बंद करिएगा, इस तरफ से ये वाला बंद करके पिंच कर दीजिएगा और इसको आप बेक करने फ़ौरन रख दीजिएगा. ठीक है, इसमें फिलिंग में जैसे मैंने कहा था, चिकन का कीमा हो, वाइट सॉस हो, सब्जियाँ हो, बीफ या मटन का कीमा हो, भुना हुआ, कुछ भी आप मिक्स कर सकते हैं. सिर्फ चीज़ का भी करना है तो आप चीज़ का एक पेस्ट सा बनाएं या वाइट सॉस बनाएं, उसमें आप 3-4 किस्म की चीज़ डाल के वो रख दीजिएगा. बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और पार्टीज़ के लिए ये अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे. कौन है अब हमारे साथ जी? गजाला है पेशावर से जी. हेलो. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए. बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी. जी जरूर. यूनिक सी है रेसिपी, बहुत अच्छी है बेकिंग वाली. पालक की और पालक की रेसिपी, पालक पनीर है और पालक का सूप है. हम पालक गोश्त भी पकाते हैं, कीमे में भी पकाते हैं, चने की दाल में भी पकाते हैं, माश की दाल में भी पकाते हैं, मूंग की दाल में भी पकाते हैं, पालक करी भी पकाते हैं, पालक के पराठे भी बनाते हैं. अच्छा. बहुत सारी रेसिपीज. पालक इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. जी जरूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा रेसिपीज सारी. थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह. थैंक यू जी. ओके, अब मुझे एक चीज़ करनी है, क्लीन अप तो करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे चाइनीज़ 5 स्पाइस पाउडर आपको पीस के दिखाना है. ठीक है, उसके लिए ग्राइंडर बख्तियार, ये देखें, बड़ा एक स्टिक ले लीजिएगा इलायची. अच्छा, ब्रेक पे जाना है, ठीक है, ब्रेक पे लगा देंगे. फिर ये बादियान का फूल,
फिर सौंफ, लौंग, काली मिर्चें, पांच हो गया ना, फाइव स्पाइस पाउडर आपको मिल जाता है मार्केट में, ये आप घर में बनाइए, थोड़ा सा जितना चाहिए उतना ही बनाइए क्योंकि बड़ी बोतल फिर पड़ी रहेगी। तो दालचीनी है, सौंफ है, लौंग है, बादियान का फूल है और काली मिर्चें, पांच चीज़ों को हम पीसेंगे आपके सामने ब्रेक से आने के बाद। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे उसी में, इस मसालों में, और डिपिट का सोया सॉस, डिपिट का चिली सॉस, कुटी हुई काली मिर्चें, चुटकी भर नमक, इसको हम चिकन जो चाउमीन आज बना रहे हैं तो इसको हम सॉटे करेंगे। और मैंने एग नूडल्स बॉयल करके यहाँ रखती हैं गर्म पानी और चुटकी भर नमक और तेल के साथ। फिर इसमें जो सब्जियाँ हैं, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है, गाजर है, उसको हम सॉटे करेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा, सॉसी हो जाएगा बहुत सारा, तो थोड़ा सा आप थिकन कर सकते हैं इसको कॉर्नफ्लावर के साथ, वरना नहीं। ठीक है, ये सब कुछ हम झटपट करेंगे आपके सामने, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे पालक से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने आपको पांच दिखा दिए थे ना, ये सौंफ, लौंग, काली मिर्चें, बादियान का फूल और ये दालचीनी की स्टिक। अब इसको हमने ग्राइंड कर देना है। अब हम छान लेंगे इसको, इसलिए कि छन्नी कहाँ चली गई, इसलिए कि आई डोंट वांट कि ये इसमें पीसेस ना मुंह में आए, सो आई नीड टू सीव दिस। कुरेबा है लाहौर से जी, हेलो, चिकन में डाल देते हैं इसको जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? जरनक जरनक ठीक है जी, थैंक यू, फरमाइए। आप बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं, बहुत और मैं अक्सर आपका प्रोग्राम देखती हूँ, थैंक यू, और डिशेस ट्राई भी करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं डिशेस आपकी, थैंक यू सो मच। और मैं आंसर भी देना चाहूँगी आपका जी, ये है पालक पराठा है, पालक चीज बॉल है, पालक की चटनी है, अच्छा। पालक की चाट है और आलू पालक। मैंने पालक की कभी चटनी नहीं खाई, आप खुद बना दी? बहुत मजे की बनती है जी, बहुत मजे की बनती है पालक की चटनी। अच्छा जी, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। अच्छा, इन सारे मसालों में और भी थोड़ा सा हमें कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, बहुत थोड़ा सा नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि सॉसेज हैं इसमें, और आपने इसको तेल में यहाँ सॉटे करने के लिए, पकाने के लिए रख देना है। तेल थोड़ा गर्म हो गया था इसलिए मैंने बंद कर दिया है। नूडल्स बॉयल करके रखे हैं, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और वो फाइव स्पाइस पाउडर जो मैंने आपके सामने पिसा था वो, और यहाँ हम तिल का तेल बाद में डालेंगे, शिमला मिर्च है और इसमें है एक्सक्यूज़ मी हरा प्याज और गाजर, और चिकन को आपने पहले पका लेना है। आप चाहें तो प्याज और लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। मैं हमेशा चाउमीन नूडल्स जब भी बनाती हूँ अलग अलग तरीके होते हैं तो अलग अलग टेस्ट आएगा, ठीक है। इस दफ़ा आप ये पाउडर जो बनाया है मैंने आपके सामने, चाइनीज़ फाइव स्पाइस पाउडर, जिसमें हमने लौंग, काली मिर्चें, बादियान का फूल, दालचीनी और सौंफ डाला है, सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसको आप छानिए, पीसिए, छानिए, इस तरह कर दीजिए जब तक स्मूथ पाउडर ना बने, और फिर आप उसको चिकन में लगाएंगे और चिकन को सॉटे उसमें करेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब हम मिक्स करेंगे नूडल्स तो मैं उसमें फिर तिल का तेल डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ऑथेंटिक। दानिश है पिंडी से जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िश सॉरी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं जरना साहब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। मैं आपकी बहुत ज्यादा रेसिपी ट्राई करती हूँ, आपने जो चॉकलेट का हलवा बनाया था अभी पिछले हफ्ते, सूजी वाला, वो मैंने बनाया था जी, सूजी वाला, वो बहुत अच्छा बना था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी जी, जरूर। फिनिश कीश जी, स्पिनिश कीश, कीश ओके, और पालक के, पालक गोश्त ओके, पालक के पकोड़े ठीक है, पालक कोफ्ते ठीक, पालक की चाट ओके, वेरी गुड, थैंक यू, मुझे पालक की चाट बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। चिकन हो जाए ना सॉटे अच्छी तरह, इसका रंग तब्दील हो जाए,
साथ साथ पकेगा, हाँ अभी कच्चा है, लेकिन आप इस तरह हिलाते जुलाते रहिएगा, पतले स्ट्रिप्स काटिएगा, जल्दी हो जाएगा। इसमें आपने शिमला मिर्च डाली और आपने इसमें गाजर शामिल किया और आप इसको सॉटे करिए। फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, डिपिट का सोया सॉस और डिपिट का ही चिली सॉस। ठीक है जनाब, फिर इसमें जाएंगे हरे प्याज दो तीन और ये नूडल्स, एग नूडल्स हैं ये, ठीक है। एग नूडल्स को मैंने बॉईल करके रखा था, थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा ताकि चिपके ना, और आप इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। डिपिट के दोनों सॉसेस मैंने इस्तेमाल किए हैं जो कि है चिली सॉस और सोया सॉस। अब आप इसमें ये तिल का तेल डालिए फॉर अ नाइस ऑथेंटिक टेस्ट, नूडल्स बिल्कुल चिपकेंगे भी नहीं। सेसमी ऑयल बहुत अच्छा होता है, चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करिएगा, फ़र्क आपको साफ ज़ाहिर हो जाएगा, ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट का टेस्ट आएगा। शहनाज है मुल्तान से जी, उनसे बात करते हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र जी, फरमाइए जी। आपकी रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ट्राई ज़रूर करिएगा जी। ज़रूर, और मैंने आपके सवाल का जवाब भी ना जी। ज़रूर, पालक कोड़ी, पालक पनीर, ओके, पालक साग, पालक गोश्त, पालक चावल। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई वॉन्ट टू ऐड सम मोर चिली सॉस, ठीक है। आप थोड़ा सा केचप भी डाल सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट अ नाइस कलर। चाउमीन है ये और देखें सॉसी सा है, इसलिए कि नूडल्स में अब जज्ब हो जाएगा, नूडल्स सूखे सूखे नहीं रहेंगे। अगर बहुत सॉस हो तो फिर आप इस्तेमाल करिएगा, कॉर्नफ्लावर मैं नहीं करूँगी। अच्छा, जब तक मैं इसको सॉटे कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। आके हम सैलड बनाएंगे और हम चीज़ एंड स्पिनच पफ्स को भी अवन में चेक करेंगे, ठीक है। आपने पालक की रेसिपीज़ के नाम हमें बताने हैं बहुत सारे, दो तीन नाम लिख के 888 पे मैसेज कर दीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और हमें SMS कर लीजिएगा ताकि आप जीत सकें एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट जो कि आज है डिलक्स आयरन। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखिए अब हम एग एंड पोटैटो सैलड बनाएंगे, उसके लिए क्रीम है मेरे पास और हम लेमन जूस क्रीम में डाल के उसको सा क्रीम कर देंगे, ठीक है। ये आप करके आधा घंटा छोड़ दीजिएगा, फिर उसको आप इस्तेमाल करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँ ताकि लेमन जूस ऊपर नीचे पूरा चला जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, गाढ़ा सा दही लेना है। सारी चीज़ों को पहले मैं इसमें एक बोल में डाल देती हूँ। ये दही है, फिर इसमें आप डालिए थोड़ा सा नमक, ठीक है, और कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी, फिर ये सोया की भाजी है डिल, ये डिल है अभी बहुत अच्छी आई हुई है, फ्रीज करके रख दीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं थोड़ी सी, ठीक है। सबको मिक्स करिए, फिर इसी में हम ये सा क्रीम डाल देते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए ये क्रीम को खट्टा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, कुछ भी ज़ाया नहीं करिएगा, ये सब कुछ हो गया। अब इसमें एक चॉप की हुई प्याज जाएगी, ओके, आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं। ये मैंने दो लिए हुए हैं गर्किन्स। गर्किन्स क्या होता है, अचारी खीरा, ठीक है, छोटे छोटे खीरे जो होते हैं बेबी क्यूकम्बर टाइप, जिसको पिकल किया हुआ होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है ये, मेरे ब्रांड जो है ये बहुत खट्टा नहीं है। अब आप इसको हर चीज़ को मिक्स कर दीजिए। अंडे हैं बॉयल्ड और आलू हैं बॉयल, प्याज है, गर्किन्स हैं, सोया की भाजी है, दही है गाढ़ा गाढ़ा और क्रीम है जिसके अंदर आपने लेमन जूस डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें और लेमन का ये जूस इसमें हमने इसी में डाल दिया था। एक कॉलर है हमारे साथ जी, कौन है? जीनत कराची से जी। हेलो
जी जीना बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाइए, क्या हाल है? माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हो। थैंक यू सो मच। और मैंने आपका जो पारसी आपने मैंगो का था ना सालनबू बनाया, बहुत अच्छा बना, गोश्त वाला। जी जी गोश्त। अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और जनक मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जी पालक पनीर बनाया था आपने, और आलू पालक बनाया था, पालक चाट बनाई थी, पालक रायता था, ठीक है, और चना पालक पकौड़े भी बनाए थे, और पालक के कॉर्न पकौड़े भी बनाए आपने। थैंक यू जी, आपने याद रखा इतने सारी मेरी पुरानी रेसिपीज भी। थैंक यू सो मच। आपको याद रखते हैं तो रेसिपी भी याद रहती है। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया, अंडे आपने बॉईल करके चॉप कर दिए या क्वार्टर कर दिए, उनको भी हल्के हाथ से फोल्ड कर दीजिएगा, अंदर भले मिक्स हो जाएं टूट जाएं जो भी, हमें अंदर उसको वैसे भी मिक्स करना है, ठीक है। और इसको आप गाढ़ा गाढ़ा दही यूज़ करिएगा, ठीक है, पतला वाला नहीं यूज़ करिएगा, गाढ़ा या हंग कर्ड हो, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिएगा चिल करने के लिए। फिर आप एक आध अंडे की बॉइल्ड स्लाइस या वेज के साथ उसको डेकोरेट करके रख दीजिएगा। ऐसे करते हैं हम रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं इसको मिक्स करती हूँ और अवन को भी मैं चेक करती हूँ, स्पिनच चीज़ पफ्स हमारे कहाँ तक पहुँचे, और जो चाउमीन है जिसको मैं हमने कुछ डिफरेंट किया था, चिकन को मैरिनेट किया था आपके सामने, 5 spice powder बना के जो कि चाइनीज़ खानों में डलता है और बॉटल्स में यहाँ दस्तयाब है, बहुत महंगा मिलता है, तो मैंने आपको घर में कैसे बनाते हैं वो सिखा लिया, ठीक है। तो बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, थोड़ी सी हमेशा मुख्तलिफ कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, तो इसी तरह ट्राई करिएगा, और तिल का तेल ज़रूर शामिल करिएगा। तो चलिए ब्रेक की तरफ, अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से मुझे 888 पे बताइए पालक से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। चीज़ स्पिनच पफ्स अच्छा, कॉटेज चीज़ चूरा 200 ग्राम, कटी पालक 250 ग्राम, कुटा लहसुन 3 चवे, रेड चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, क्रस्ट के लिए अच्छा, मैदा 1.5 कप, मक्खन कटा 1/4 कप, नमक 1/2 चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पफ क्रस्ट बनाने के लिए नमक मैदा और मक्खन मिलाकर गूंदें, फिर ठंडा पानी डालकर डो को स्मूथ कर लें। अब कलिंग फिल्म लगाकर चंद घंटे के लिए रख दें। स्पिनच फिलिंग बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके लहसुन भूने, फिर कटी पालक डालकर स्टर फ्राई कर लें। अब कॉटेज चीज़ और बाकी अज्जा मिलाकर भून लें, फिर मफिन पैन को मक्खन से ग्रीस करके एक तरफ रख दें। अब ठंडी डो को मैदे की सतह पर रखें और स्क्वायर में रोल कर लें, फिर इन्हें टुकड़ों में काटकर मफिन ट्रे में रखें, फिर मफिन पैन को मक्खन से ग्रीस करके एक तरफ रख दें। जब ठंडी डो को मैदे की सतह पर रखें और स्क्वायर में रोल करें, फिर इन्हें टुकड़ों में काटकर मफिन ट्रे में रखें और स्पिनच की फिलिंग डालकर किनारे सील कर दें। अब पालक और पनीर पफ को ओवन में रखकर गोल्डन होने तक बेक करें, जब तैयार हो जाए तो निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। चिकन चाउमीन अज्जा, एक नूडल्स 1 पैकेट, तिल का तेल 1 चाय का चम्मच, चिकन ब्रेस्ट स्लाइस 1/2 किलो, सोया सॉस 1 चुटकी, 5 spice powder 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद, इसी काली मिर्च हस्पे ज़रूरत, तेल हस्पे ज़रूरत। तरकीब, पैन में नूडल्स को 3 मिनट पानी में उबालें और छानकर एक तरफ रख दें। अब तिल का तेल डालकर नूडल्स को अच्छी तरह टोस्ट करें, फिर चिकन में सोया सॉस, 5 spice powder और चिली सॉस मिला दें। अब चिकन ब्रेस्ट को कॉर्नफ्लावर से कोट कर लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करें, जब वो गल जाए तो शिमला मिर्च और गाजर स्लाइस डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें, फिर हरी प्याज शामिल करके 1 मिनट पकाएं। उसके बाद पके हुए नूडल्स मिलाकर सोया सॉस, तिल का तेल और काली मिर्च डाल दें और मिक्स करके फौरन सर्व करें। एग पोटैटो सैलड अच्छा, पानी निकले दही 1/2 कप, उबले आलू 5 अदद, उबले और कटे अंडे 3 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा सोया 1/2 कप, अचारी खीरे 2 अदद, सार क्रीम 1.5 कप, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लींबू का रस 1 लींबू का। तरकीब, पानी निकली दही में नमक, लींबू का रस और सार क्रीम मिलाकर फेंट लें,
अब इसमें बाकी तमाम अज्जा मिक्स कर दें और ठंडा करके फौरन सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें एग एंड पोटैटो सैलड बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह चिल करिएगा उसको और सर्व कर दीजिएगा, और जो चीज़ अंदर डालें उसी के साथ आप उसको प्लीज़ डेकोरेट करिएगा, ठीक है। और ये जो स्पिनच चीज़ पफ्स हैं कितने अच्छे से लग रहे हैं, डिफरेंट समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ज़रूर इसको भी ट्राई करिएगा। इसी तरह आप पफ पेस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं, बहुत पतली नहीं बेलिएगा, पफ पेस्ट्री को थोड़ी सी मोटी बेल के इस तरह आप उसको कैविटीज़ में रख सकते हैं कपकेक के टिन में, फिलिंग फिर जो भी आपको करना हो। और वो चिकन चाउमीन है, डिफरेंट रेसिपी इसलिए है क्योंकि मैंने चिकन को मैरिनेट किया था 5 spice powder में, जो कि चाइनीज़ होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बनाना भी सिखा दिया है। अच्छा जी, रिदा क्या बना रही हैं? पंजाबी चटपटी रोटी, बाल्टी दाल और कड़ी श्रिम्प स्पगेटी, और मुस्तजब हैं लाहौर से, विनर हमारे इनेक्स का गिफ्ट के। आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, अब तक आपकी गिफ्ट पहुँचा दी जाएगी। तो देर सवेर हो जाती है लेकिन सारे गिफ्ट चले जाते हैं हमारे व्यूअर्स को, कॉलर्स को, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने कॉल किया, शो देखा मेरे साथ, लाइव रहे 1 to 2। इसी तरह पीर से जुमा मेरे साथ लाइव रहिएगा, दोपहर में 1 to 2 हम लाइव आपके साथ शो करते हैं और रात में हमारा शो 10:30 बजे रिपीट होता है, तो ज़रूर उस वक्त भी देख लीजिएगा। अभी कुछ भी मिस आउट हो गया हो तो दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे, मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।